अभी टाटा सेरा, आप लोगों को याद है जब अपन इसको कल्पना नगर लेके गए थे, अपने दोस्त का घर है। जब कभी मेरे को नारायण सिंह सर्किल से कहीं जाना होता है ना, मैं मेरी गाड़ी यहीं पे पार्क कर देता हूँ। मतलब वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज अपन जा रहे हैं दिल्ली, मैं, वरुण भैया और निश्चय। देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। मतलब बहुत दिनों बाद यादें ताज़ा हो गई। जब मैं पहले इंटरव्यू देने जाता था ना दिल्ली, तो यहीं से बस पकड़ता था। आज वैसी सी फीलिंग आ रही है थोड़ी। कहाँ लेके जा रहे हो? अलवर? अलवर लेके जाओगे मेरे को? चलो बैठो। पर मेरे को पहले दिल्ली छोड़ के आओगे फिर अलवर जाओगे? नहीं, जहाँ कहीं पे भी अपन जाते ना, अपना हेलमेट साथ लेके जाता है। तो प्लान कुछ ऐसा था कि आज हम लोग 4:30 बजे निकलने वाले थे, और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है 7:05। तो सबसे पहले वरुण भैया ने लेट किया, फिर उसके बाद अब निश्चय लेट कर रहा है, क्योंकि वरुण भैया निश्चय के घर के बाहर खड़े हैं और वो अभी तक आया नहीं है। और अभी इस जगह पे आने पे भी उनको 15 से 20 मिनट लगेगी, तो मतलब हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। तो अभी आप लोग ये भी सोच रहे हो कि मैं हेलमेट क्यों लेके जा रहा हूँ, दिल्ली तो जा रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं मेरा हेलमेट क्यों लेके जा रहा हूँ, ये आपको आगे पता लगेगा। अभी वरुण भैया को आ जाने तो उनसे पूछते हैं कि क्या प्लान है। वैसे मेरे को थोड़ा बहुत ही पता है कि क्या आगे करने वाले हैं हम लोग आज, लेकिन ये है कि मैं भी कुछ ना कुछ देखने जा रहा हूँ, आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा। तो अभी अपन निकलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर लो, वहीं पे अपन सारी अपडेट डालते रहते हैं। तो चलो अभी वरुण भाई को आंदो, फिर निकलते हैं। आप लोगों ने लेट करा है, निश्चय तूने भी लेट किया है। मैंने लेट किया। चलो जी, अभी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, अभी देखते हैं दिल्ली हम कितने बजे पहुंचेंगे। तो देखो भैया, आज बहुत दिनों बाद दिल्ली जा रहा हूँ। मतलब अभी तक क्या होता था ना कि अपने दिल्ली के दोस्त जयपुर आते थे, लेकिन आज जो दिल्ली में अपने दोस्त रहते हैं ना, उन लोगों से एक से भी मिलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी प्रभजोत तो है ले के अंदर, और बाकी जो दोस्त हैं वो बिजी हैं, और दिल्ली के अंदर अभी शायद गर्मी ज़्यादा है, तो इसलिए अपन भी जल्दी निकल जाएंगे। आज रात तक हम लोग वापस जयपुर रिटर्न आ जाएंगे। तो जो पहला काम है ना, वो काम है कि वरुण भैया को ना एक कार देखनी है और एक बाइक देखनी है। मतलब अभी एक कार तो ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक बाइक भी ले रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं भी एक बाइक की टेस्ट राइड ले आऊँगा, इन्होंने मेरे को बताया, तो प्लान में मैं भी इन हो गया। तो अभी मैं भी जाऊँगा, देखते हैं कौन से स्टोर पर जाने वाले हैं। और ये हंस रहे हैं क्योंकि ये रिवील नहीं करना था और मैंने रिवील कर दिया, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं लेंगे गाड़ी। मतलब एक वीक बाद या फिर 2 वीक बाद, जैसे कंफर्म, जैसे ही डिटेल सारी कंफर्म हो जाएंगी, जैसे गाड़ी पसंद आ जाएगी ना, उसी के बाद फाइनलाइज करेंगे। और आज हमारे साथ निश्चय भी है, तो उससे भी शादी का एक्सपीरियंस पूछेंगे कि शादी होने के बाद उसको कैसा फील हो रहा है। निश्चय तू बताएगा कुछ? शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, और जो ना खाए वो पछता है। पछताना ही है तो खाके पछता। तो वरुण मैं ना अभी प्लान ऐसा कर रहे हैं कि कावासाकी जो ZX ट्रेनर है ना, उसको बेच के निंजा S2 लेने वाले हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा जल्दी। जी पहला ब्रेक 150 किलोमीटर के बाद भाई, ये तो पूरा, ये देखो पूरा फॉर्मल में आया, ऐसे तैयार होके भाई ये लेके जाएगा आज गाड़ी को। सर पे बाल लिए मेरे यार, इसलिए ये देखो राजा बाबू बन गया है पूरा। तो भैया अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आगे पता नहीं कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाले। मैंने इन लोगों को बोला कि हाईवे किंग पे कर लेते हैं, तो अभी चलते हैं। भैया अब नींद नहीं आएगी, तेरे को ये भी खा लिया तो। भैया यहाँ पे देखो भैया, जाम लगा हुआ है किसान आंदोलन की वजह से अभी भी, और अभी देखते हैं हमको किधर से जाना पड़ेगा। रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा क्या? रॉन्ग साइड निकल पा रहे हैं छोटी, या उतरना पड़ेगा। निकालो, निकालो। आ जाओ ओ आराम से, काटो काटो, नहीं आगे जाम है बहुत बड़ा, दबाओ। हाँ हल्की सी अड़ी, हल्की सी तो अड़ेगी। ये क्या है, ये धुआं क्यों फेंक रहा है इतनी यार, ये चीटिंग कर रहा है भैया। ये आगे कितना, आगे कितना निकल जाएगा? थोड़ा सा बता देंगे रास्ता, दिल्ली जाना है हमें तो। हाँ थैंक यू सो मच। पुलिस वाले भैया पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हमेशा चलती रहती है। ट्रैक्टर रिकॉर्डिंग चल रही है इधर से। तो
वापस अपन हाईवे पे आ चुके हैं। पहले देखो भैया 2000 रुपए का डीजल भरवा रहे थे हम। है भैया अब क्या बोल रहे हैं, फुल कर दो। वो बोल रहे हैं फुल 89 का। हरियाणा के फायदे है भैया, हम राजस्थान वालों से तो बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते हैं हमारी सरकार। थैंक यू, काफी कांग्रेचुलेशन बोलो। कांग्रेचुलेशन होगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी गाड़ी है, आप लोगों ने लास्ट रैक पे देखी होगी, अपने पास थी पोर्शे मकान यहाँ पे भी खड़ी है। तो जी आ चुकी है अपनी BMW M4, अब इसको लेके चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे और देखते हैं कैसी चलती है। किट लगवाएगा कार्बन फाइबर जितने पार्ट्स है सारे। हाँ एक ये हो गया, एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी मतलब लगवाए हुआ है भाई। ये देखो कितनी मस्त फिनिशिंग आ रही है, करके जाते हैं तो घर पे दिखाने काम आ जाए। फ्रेमलेस डोर है, हम हो गए पूरी तरीके से क्लॉस्ट्रोफोबिक। मैं तो बहुत बुरे वाला क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। तो बाय द वे कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। कितना टोकन देना है अभी देखो कैसी लगी अभी तक तो। सो फार सो गुड। वरुण भैया मजे लेने वाले हैं गाड़ी के, मतलब अब जो बंदा चला रहा है समझ जाओ वही लेने वाला होगा। बधाई है निश्चय को मिल रही है और ड्राइव अभी वरुण भैया कर रहे हैं। ये हो गया। सो ये कार्बन फाइबर पार्ट्स ना अंदर भी लगा रखे इन्होंने ना, काफी कुछ है ना। प्रीवियस ओनर जो इनके हैं यार, सो ही ऑलमोस्ट बायस एवरीथिंग इन कैश। तो मतलब इसने कंपनी की एक्सटेंडेड वारंटी ये सब, मतलब इतनी हाईली ड्रिवन, आई डोंट बाय हाईली ड्रिवन कार्स, बट व्हाट हैपेंड दिस गाय, मतलब जितनी कंपनी जितनी चीजें लोडिंग से जितनी वारंटी में आप राइट से ऊपर लिखिए। यहां पे देखो भाई ये जो पार्ट्स हैं यहां पे लगे हुए हैं, ये गियर नॉब पे लगे हुए हैं, कैमरास हैं आगे भी है पीछे भी है, यहां पे भी एक कैमरा है भाई, एक सामने डैश कैम लगा हुआ है उधर, और यहां पे भी कार्बन फाइबर पार्ट्स लगे हुए हैं, एक यहां पे लगा हुआ है स्टीयरिंग के कोल्स। हां बहुत ही मस्टैंग और इसमें क्या फर्क है। इसके अंदर एक्रोपोवी का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं और स्टेज टू रीमैप भी हो रखी है, मतलब काफ़ी लाउड भी है, काफ़ी फास्ट भी है, काफ़ी चला। तो वरुण भैया को चलाने में भी काफ़ी मज़ा आया, अभी देखते हैं क्या डिस्कशन होता है, आप लोगों को अपडेट करते हैं थोड़ी देर के अंदर। लैम्बो तो भाई खजाना तो यहाँ पे है, ये देखो दोनों ही 14 है, वो कार्बन फाइबर हो रखा है मस्त। सो ये वाली AMG का आप लोगों को ना मैं कंसोल दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग है ये देखो भाई।
ये देखो पूरा मस्त है भैया सब कुछ, बहुत अच्छा रास्ता है, मतलब सीधा अंदर अंदर। तो ये वाली जो एसयूवी है ये 4000 ही चली, और जब इसका जो आस्किंग प्राइस है यहाँ पे वो है 1.40। वैसे अगर आप लेने जाओगे तो ऑन रोड आप लोगों को 1.87 की पड़ेगी। मस्त चल रहा है, क्या होने वाला है सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम पे पता लगेगा। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब चेहरे पे देख रहे हो खुशी बढ़ गई है, मतलब खुशी। अभी अपन चलते हैं, इनका काम तो हो गया M4 का, अभी अपना काम बाकी है। अभी मेरा काम बाकी है जो मैं भी बाइक देखने जाऊँगा, क्योंकि देखो दिल्ली आए हूँ तो बाइक देख के तो जाऊँगा, क्योंकि अपन भी बाइक लेने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो को ना यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आप लोगों को कोई शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी जब इसको जयपुर ले जाएंगे ना तब काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाएंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग टेस्ट राइड लेने जाएंगे। देखते हैं कौन सी बाइक के टेस्ट राइड लेने वाले हैं, क्या होने वाला है वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा। अभी इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।